सभा के संयोजक डॉक्टर पंकज पांडे जी, स्थानीय पार्षद श्रीमती अनिता जी, भारतीय चिकित्सा परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर अजय प्रकाश जी, तथा उपस्थित जितने महानुभाव हैं जिन्होंने आपातकाल स्थिति में जन सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सेवा करते आए हैं, उन सबों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों का स्थान सबों से बड़ा है। वैसे बिहार एकुपेशन योग कॉलेज स्वास्थ्य जागरूकता मिशन आपदाओं के समय में अपने स्तर से कार्य करती है, जिसका फल आज देखने को भी मिलता है। आज आप लोगों को सम्मानित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आज कोरोना के समय में इस सभा को विस्तृत नहीं किया जा सका, इससे बचे हुए इसके बाद जो होंगे जिन्होंने कार्य किया है उन लोगों को भी बाद में सम्मानित किया जाएगा। सुपर ही होंगे। कभी कभी फोन आता है या डॉक्टर राजे जी का फोन आता है कि आज इस टाइप की बात सोची जा रही है, तो मैं कभी कभी बहुत तनाव में आ जाता हूँ कि उम्र की इस अवस्था में आ कर के भी हर दिन कुछ न कुछ नया करने को, कुछ न कुछ समाज में ऐसी बातें होनी चाहिए, मतलब जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से पीड़ित जितने लोग हैं जिनके घाव को फोड़वाने चले जाइए तो 10,000 रुपया लग जाता है, वैसे स्थिति में कौन सी तकनीक अपनाई जाए कि वो ठीक हो जाए। ये विधाएं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में हर जगह है, अध्ययन कोई नहीं करता है, तो उन चीजों को पकड़ पकड़ कर करके जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के रूप में लिया है।